हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्षास किचन। आज मैं लेके आई हूँ भिंडी की सूखी सब्जी। तो बनाना बहुत ही आसान है। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़ा चम्मच सरसों का तेल कढ़ाई में डाल लेंगे। तेल के गर्म होते आधा चम्मच जीरा और अजवाइन मिक्स करके डालेंगे। थोड़ी सी हींग डाल देते हैं, इन्हें हम अच्छे से भून लेंगे। तो हींग जीरा भून चुका है। अब तीन हरी मिर्च और एक प्याज और सात आठ कलियाँ लहसुन की, जिसे मैंने इस तरह से काट लिया है। अब इसको चलाते हुए दो से तीन मिनट भून लेंगे। तो जब तक भूनना है प्याज हमारी हल्की सी सॉफ्ट ना हो जाए। तो प्याज भून चुकी है। अब 500 ग्राम भिंडी को मैंने धोकर पोंछकर इस तरह से काट लिया है। अब कटी हुई भिंडी को हम कढ़ाई में डाल देते हैं और साथ में आधा छोटा चम्मच नमक डालेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो नमक मैंने पहले इसलिए डाला है क्योंकि भुनने में भिंडी हमारी अच्छे से गल जाएगी। तो इसे हम इस तरह से बराबर चलाते हुए मिक्स कर लिया है। अब इसे ढक देते हैं 5 से 6 मिनट के लिए। 5 से 6 मिनट बाद देखिए भिंडी हमारी अच्छे से भुन गई है और थोड़ी सी ये पक भी चुकी हैं। अब इसमें आधा चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे और आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब सभी मसालों को डालकर भिंडी के साथ इस तरह से उलट पुलट लेंगे, चला लेंगे, जिससे सारे मसाले भिंडी के साथ अच्छे से लग जाएंगे। और चलाने के बाद फिर से इसे ढक देते हैं 7 से 8 मिनट के लिए। तो 7 से 8 मिनट बाद भिंडी को चेक कर लेंगे। तो भिंडी हमारी अच्छे से भुन चुकी हैं, गल चुकी हैं, सॉफ्ट हो गई हैं। देखने से ही लग रहा है, इसे चेक कर लेते हैं। तो भिंडी अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब लास्ट में आधा नींबू का रस इसमें डाल देते हैं। खटास के लिए आप अमचूर पाउडर या टमाटर भी इसमें डाल सकते हैं। अब इसे अच्छे से एक बार इस तरह से मिक्स कर लेते हैं और गर्मा गर्म भिंडी की सब्जी को सर्व करेंगे। तो बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू।